अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी अंडा वाइट कोरमे का सालन बनाऊंगी मैं। तो उसके लिए मैंने इधर ये कोथमीर ले ली हूँ, उसको मैंने बारीक बारीक कट करके ली हूँ। उसी के साथ में मैंने 5-6 ग्रीन चिली ली हूँ, आपको जैसा तीखा पसंद हो आप वो हिसाब से ले सकते हो। और इधर मैंने कांदा और मूंगफली और लहसुन को मैंने थोड़ा पानी में उबाल लिया है उसको सॉफ्ट होने तक। तो ये सारा कुछ भी हम इसके अंदर डाल देंगे अभी, क्योंकि ये ठंडा हो गया है काफ़ी हद तक। तो ये सारा हम इसमें डाल के इसको ग्राइंड करके ले लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी रेसिपी बनती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। और मैंने अंडे भी बॉयल करने के लिए रख दिया है, तो मेरे अंडे भी एक साइड पर बॉयल हो रहे हैं। तो इसको पीसने के बाद फिर मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पेस्ट काफ़ी अच्छे से मैंने उसको पीस के ले ली हूँ, इसका फाइन पेस्ट बना दी हूँ मैंने इस तरीके से। तो अभी हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो रहा है मेरा। जैसे ऑयल गरम हो जाता है, हम इसके अंदर थोड़ा ज़ीरा, कस्तूरी मेथी और मैंने ये अदरक को ऐसा कद्दूकस करके रखी हूँ वो डालेंगे। उसके साथ में ये गरम मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान फूल, दालचीनी का टुकड़ा, काले मिर्ची, वो सब डालेंगे। अब ये ऑयल अच्छे से गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी 1 चम्मच भर के। उसी के साथ में कस्तूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, 1/2 चम्मच जितना। और उसी के साथ में ये अदरक और गरम मसाले जो है वो डाल देंगे। और ये सारे को हम अच्छे से भून के ले लेंगे। थोड़ा इसका कच्चापन खत्म हो जाने तक हम उसको भून लेंगे अदरक का। देन फिर उसके अंदर जो मसाला हमने पीस के रखे हैं वो डालेंगे। और उससे पहले मैं ये कड़ी पत्ता थोड़ा डालेंगे इसके अंदर, वो भी हम काट के डालेंगे छोटा छोटा पीस करके। इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है सालन में। चलिए अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए हमारा अदरक काफ़ी अच्छे तरीके से भून गया है। तो अभी मैं ये जो मैंने पेस्ट बना के रखी थी, फाइन पेस्ट बना ली थी मैंने इसका एकदम स्मूथ, वो डाल देंगे हम। तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनती है, काफ़ी अच्छा ये भी अंडे का सालन काफ़ी अच्छा बनता है, आप भी ज़रूर से बनाइए। थोड़ा पानी भी डाल देंगे तो मसाला अच्छे से अपना भून जाएगा। और नमक आप अपने अंदाज से डालिए उसमें। पहले मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ, देन फिर हम नमक डालेंगे इसके अंदर। और कोई भी मसाला अभी इसमें नहीं जाएगा, नमक डालेंगे। नमक आप अपने अंदाज से डालिए। और अभी इसको मैं स्लो गैस पे अच्छे से मसाला भून लेती हूँ इसका। 10 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, जैसे इसका तेल पूरा ऊपर आ जाएगा देन फिर इसके अंदर हम अंडे डालेंगे। तो मेरे अंडे भी बॉईल हो रहे एक साइड पे, मिलते हैं मसाला भूनने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मसाला काफ़ी अच्छे से भून गया है और इसका तेल भी सारा ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये काफ़ी अच्छी तरीके से भून चुका है मसाला। अभी मैं इसके अंदर बॉयल अंडे डाल दूँगी, देन फिर इसको हम थोड़ा टाइम अंडे के साथ भी पका लेंगे तो हमारा सालन रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं इसके अंदर ये बॉयल अंडे डाल दूँगी जो मैंने उसको अच्छे से उसको पील करके वॉश कर लिए थे।
मैंने इसके अंदर अंडे डाल दी हूँ अभी, और मैं अभी इसके अंदर थोड़ा और पानी डालूँगी तो ग्रेवी काफ़ी अच्छी हो जाए। देन इसके बाद फिर हम इसका गैस बंद कर देंगे। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ रुक जाओ, अब इसको और 5 मिनट पका लूँगी, देन फिर इसका हम गैस बंद कर देंगे। तो मेरे सालन में अभी थोड़ा मैंने पानी डाली हूँ, तो अभी ग्रेवी थोड़ा मैं उसको ग्रेवी कर लूँगी उसके अंदर। एक दो बॉयल आने तक मैं उसको पका लूँगी, देन फिर इसको प्रेजेंट करके मैं आपको बताऊँगी कि कैसी बनी है। एक डिश आउट करके फिर आपको मैं बताऊँगी कि कैसा लगता है इसका लुक, और ये काफ़ी अच्छी लगती है खाने में भी, और कम मसाले में अच्छी डिश बन जाती है, अपना एक अच्छा सालन बन जाता है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए उसको अपने घर पर, आपको डेफिनेटली वो अच्छा ही लगेगा सालन, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं फिर। ये देखिए ये बेचारी लड़की कितना काम करती है पूरा दिन, बाप रे बाप। लाइबा कितना काम करते हो बताओ, नहीं तू कितना काम करे, और हो सकता है बीच बीच में कभी कभी आपको हमारी गुजराती लैंग्वेज भी सुनाई दे, तो प्लीज उसे भी एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ में। लाइबा बस इतना बधु ना खोल, इतना बस। हाँ वही ना, सीधू कट दे, चल। देखो ये लड़की कितना काम करती है, बाप रे बाप, पूरे घर का काम ये लड़की करती है ना? हाँ? ना बताओ। देखो इसको, देखो देखो ये क्या कर रही है, देखो ये लड़की, देखो क्या कर रही है। ए ले ये देखो बड़ा पापड़ बिस्किट। हाँ अभी चाय पीने बैठेंगे ना, तो फटाफट खा लेना, ठीक है? हाँ चलो तुम खेलो अभी। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा वाइट अंडा कोरमा रेडी हो गया है, तो आप भी ज़रूर अपने घर पे बनाइए, अपने अपनों को खिलाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।